सो हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर माई सेल्फ एच आर चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भर्ती दो हज़ार तेईस के बारे जिस में जिसमें आपको पता है कि किस कैडर की कितने कैडरों की जो है प्रोविजनल लिस्ट है वो फाइनल अंतिम वरीता जो सूची है वो आ चुकी है तो अब बाकी जो हैं वो नर्सिंग ऑफिसर ए एन एम लैब टेक्नीशियन ये चार जो बड़े कैडर हैं इनकी रह गई हैं और जो चार अलग जो कैडर थे डेंटल है ऑपथेलमिक है उन सभी की रेडियोग्राफर है उन सभी की जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में जो प्रोविजनल सूची है जिसको हम अंतिम वरीयता सूची कह सकते हैं तो वो जारी हो चुकी है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नर्सिंग ऑफिसर की डी लिस्ट आज प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी या कल इसके बारे में बात करेंगे और आसार संहिता से पहले आपको नियुक्ति होना संभव होगा या नहीं होगा इसके बारे में भी बात करने वाले तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्त इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर जरूर करें क्लियर बाकी नर्सिंग एजुकेशन की हर एक पीडीएफ जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती से हो या शायद ऑल इंडिया की कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड हो उनकी पीडीएफ नर्सिंग एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर हम लगातार समय समय पर डालते रहते हैं तो यदि आपने नर्सिंग एजुकेशन का यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लेवे वहाँ पर आपको हर एक भर्ती की पी डी वो मिल जाएगी तो चलिए अब लेटेस्ट अपडेट क्या है वो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट की तो राजस्थान जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 की संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है डॉ सिया डोडवाड़ी और उनकी टीम है वो लगातार इस भर्ती को कंप्लीट कराने को लेकर रात दिन मेहनत कर रही है तो उनका सपोर्ट भी कीजिए आप लोग अब बात करेंगे जो नर्सिंग ऑफिसर और ए फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन इनकी जो प्रोविजनल सूची है वो कब तक आएगी तो सबसे पहले बात करें यदि आज की मैं बात करूं तो आज दो अक्टूबर हो चुका है और ऐसा बताया जा रहा है कि सात अक्टूबर से आचार संहिता लग रही है कितनी सात अक्टूबर से फाइनल हालांकि अभी तक ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है फिर भी ऐसी सूत्रों के अनुसार जो खबर मिल रही है कि सात अक्टूबर से आसार संहिता लग रही है तो आसार संहिता से पहले यदि आप लोग चाहते हैं भर्ती पूरी होना तो सबसे पहले काम होता है प्रोविजनल सूची का आना तो आज ऐसा बताया जा रहा है कि ए और लैब टेक्नी लैब टेक्नीशियन सॉरी फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत जो प्रोविजनल सूची है वो आज जारी होने की संभावना बताई जा रही है और तीन तारीख को ए की प्रोविज़नल सूची बताई जा रही है कि आ सकती है और चार और पाँच तारीख सबसे लेट जो प्रोविजनल सूची की बात करें क्योंकि आपको पता है इसमें पांच लिस्टें आ चुकी है जो है जो टिप्पणियाँ लगाई थी उसके बाद में <coughs> सॉरी तो उसके बाद में इनको डॉक्यूमेंट भी झांसना पड़ता है हर चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया तो अब जो है चार या पाँच तारीख का बताया जा रहा है नर्सिंग ऑफिसर की तो अब आप चार पाँच दिन और वेट कर लीजिए हो सकता है पाँच तारीख तक सभी की जो है प्रोविजनल सूची जारी हो जाए और प्रोविजनल सूची जारी होने के बाद एक ही काम रहेगा फिर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग खुद निकालेगा जो पोस्टिंग पहले से आपका डायरेक्ट अगली बार जो लेटर आएगा वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग का ऑर्डर आएगा प्रोविजनल के बाद फिर इसके बाद में कोई लिस्ट और अलग से नहीं आएगी इस लिस्ट के बाद में सीधी डायरेक्ट पोस्टिंग प्लेस सामने लिख कर आपका आएगा कि आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग करनी होगी फिर आप सी एम एच ओ बी सी एम ओ और जहाँ ड्यूटी है वहाँ आपको ज्वाइन करना होगा ये होता है प्रोसेस इस भर्ती का देखो क्या होता है आचार संहिता बहुत नज़दीक है अब उम्मीद थोड़ी कम लग रही है कि इसमें ज्वाइनिंग हो सकता है कि प्रोविजनल सूची जारी होने के बाद आपकी जो ज्वाइनिंग जो है वो आचार संहिता में हो जाएगी शायद ऐसा मानने मानने को है कि ज्वाइनिंग नहीं हटकेगी यदि प्रोविजन सूची आचार संहिता से पहले पहले निकाल देते तो ये थी एक लेटेस्ट अपडेट कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स स्वस्थ रहें मस्त हैं थैंक यू सो मच